तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपके यूट्यूब चैनल M97 स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए फिर से ITI पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का VVI क्वेश्चन जो 2020 में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक बने रहना होगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें दोस्तों कि ITI और पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा जा रहा है। जिन भी स्टूडेंट को भरना है वो फॉर्म को अप्लाई कर दें जिससे ITI और पॉलिटेक्निक का एग्जाम निकाल सकें। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर जा करके देख सकते हैं पिछला वीडियो। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें दोस्तों कि इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे ITI पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल से संबंधित जितने सारे महत्वपूर्ण वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों पहला प्रश्न है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है? एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 × 10⁻¹८। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6.25 × 10⁻¹८ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है एक कूलम बराबर। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, निर्वात में प्रकाश का वेग निर्भर करता है, निर्वात में प्रकाश का वेग किस पर निर्भर करता है? तो आपको बता दें उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं, यानी कि ऑप्शन से इसमें बताया गया है दोस्तों उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं निर्भर कर सकता है, यानी कि आवृत्ति पर, प्रकाश स्रोत के वेग पर, तरंग दैर्ध्य पर, ये तीनों पे नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है, क्या होती है एक प्रकाश वर्ष बराबर? यह होती है 9.46 × 10¹² ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, रॉकेट जेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन गति का तीसरा नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन गति का तीसरा नियम। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न, जो उपग्रह मौसम की भविष्यवाणी के काम आता है उसको क्या कहते हैं, कौन सा उपग्रह कहते हैं? जो उपग्रह मौसम की भविष्यवाणी में काम करता है उसे हम सब ध्रुवीय कक्ष उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ध्रुवीय कक्ष उपग्रह। चलिए आगे देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न, अर्धचालकों को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? तो यह होता है घटता है। अर्धचालकों को गर्म करने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न, नेत्र की असमंजन क्षमता होती है किस पे होती है? तो नेत्र की असमंजन क्षमता किस पे होती है? यह होती है सिलियरी मांसपेशियां पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सिलियरी मांसपेशियां। चलिए आगे देख लेते हैं। आठवां नंबर प्रश्न, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर हमारा भार क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित होगा? तो आपको बता दें पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जो भार होगा हम सबका वह क्या हो जाएगा? कम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कम हो जाएगा, यानी कि आधा। चलिए दोस्तों आधा से भी कम, 1/6 हो जाता है दोस्तों। नौवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि चंद्रमा पर अगर दो व्यक्ति बात करें तो क्या होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वे एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते इसलिए बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होने के कारण एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दसवां नंबर प्रश्न, कृत्रिम उपग्रह के कक्ष में रेखीय चल निर्भर नहीं करती है किस पर? यह है उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, उपग्रह के द्रव्यमान पर। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। ग्यारह नंबर प्रश्न, विद्युत मोटर एक यंत्र है, कैसी यंत्र है विद्युत मोटर? यह है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना विद्युत मोटर का काम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। बारह नंबर प्रश्न, समतल कांच की प्लेट की क्षमता होती है, समतल कांच की प्लेट की क्षमता होती है कितना होती है? यह होती है शून्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, शून्य। चलिए आगे देख लेते हैं। तेरह नंबर प्रश्न, किसी वस्तु का वह गुण जो अपने चलने की स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जड़त्व। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। चौदह नंबर प्रश्न,
वोल्ट एम्पियर को कहा जा सकता है, वोल्ट एम्पियर को क्या कहा जा सकता है, ओम कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओम। ओम का आपको चिन्ह बता देते हैं दोस्तों, ओम का चिन्ह कैसे होता है, ओम का चिन्ह ऐसा ही होता है। 15वां प्रश्न दोस्तों, किसी दिए गए तार के टुकड़े का प्रतिरोध निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती, तो यह है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान पर। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। 16वां प्रश्न, सूर्य के प्रकाश मंडल का ताप होता है कितना होता है, सूर्य के प्रकाश मंडल का ताप होता है कितना होता है, यह होता है 6500 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 6500 केल्विन। चलिए 17वां प्रश्न दोस्तों, एक बल बराबर होता है कितना न्यूटन, एक बल बराबर कितना न्यूटन होता है, 10^-5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 10^-5 न्यूटन। 18वां प्रश्न दोस्तों, हमारे सौरमंडल की आयु है, हमारे सौरमंडल की आयु है कितना वर्ष, यह है 5×10^9 वर्ष, 5×10^9 वर्ष सौरमंडल की आयु बताया जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न दोस्तों, जब बर्फ के टुकड़े को उष्मा दी जाती है तो इसका ताप क्या हो जाता है, इसका ताप में क्या परिवर्तन हो जाता है, इसका ताप में पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। 20वां प्रश्न, विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाते हैं, विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाते हैं किस लिए, हम सब लगाते हैं परिपथ को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए लगाते हैं विद्युत परिपथ में फ्यूज को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, परिपथ को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे ITI पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल से जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।